reefer louder than a speaker. Yeah, my niece is hanging with the beater. If you ever found a better keeper, these 37 cameras for the sneak. वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, वापस से मैं आपके लेके आ चुका हूं मदर इन द अल्फा गाइस। आज एक और नया पार्ट दोस्तों, और ये हमारा पार्ट होने वाला है 47 दोस्तों। तो उससे पहले अगर आपने एपिसोड नहीं देखा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा दोस्तों मदर इन द एल्फ की, वहां से जाके आप सारे एपिसोड को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अपने पिछले एपिसोड को थोड़ा रिकैप मारते हैं, जिसमें हमने गाइस ऑटो को दोस्तों हमने दोस्तों ढूंढ लिया और हम उससे बात करेंगे। तो उससे पहले हम उसके थोड़ी लकड़ी ढूंढ रहे थे ताकि उसके लिए आग जला सके, क्योंकि उसके लिए हम यहाँ आए थे किचन में दोस्तों। यस, क्योंकि किचन में मैं यहाँ से लेके जाने उसके लिए वुड, ताकि हम उसे थोड़ा आग से बचा सके, सॉरी गर्माहट दे सके दोस्तों। व्हाट इज दिस? फायरवुड। फायरवुड हमें मिल चुके दोस्तों, नैपकिन्स। ओके, व्हाट इज दिस? नैपकिन्स। अगर अच्छा, ऐसे भी हमें और नैपकिन्स ढूंढ लिया दोस्तों, जो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में हो दोस्तों। ओके दोस्तों, दो और है दोस्तों अभी यहाँ पे, जैसा मुझे दिख रहा है। एक तो मेरे को मिल गई दोस्तों, लास्ट वन बची है दोस्तों। यस, नैपकिन का सब हो चुका दोस्तों। ओके, रिस्क हो गया। सिनेमन तो दोस्तों कुछ पाउडर टाइप होता है, आई थिंक सो। ओके दोस्तों, हमें यहाँ से वुड मिल चुके दोस्तों। अब हमें यहाँ से बाहर जाना है और फायर प्लेस की तरफ जाना है, ताकि हम ऑटो को थोड़ी गर्माहट दे सके। ओके, हेलो भाई साहब, ठीक हो गए एकदम? And where is Professor Clark? How do you know about the professor? I took a glimpse at the guest book and saw he was staying here. The professor wasn't in his room, but I found this photo of him. Professor Clark is ominously circled in red. May I see the photo? Someone is clearly looking for him. Yeah, unfortunately you are correct. Here is everything I know. The professor arrived unexpectedly earlier this week. No reservation. Achcha? He looked nervous. I asked him for details, but he wouldn't say much. 2 days went by without incident. The Riga Hotel record. The professor started to relax. One morning, there was a loud knock on the door. Nobody was there. It was for the professor. As soon as he read it, he went pale. What was the message? I have no idea. He wouldn't tell me. It was encrypted in a secret language. He immediately barricaded himself in the cabin, refused to leave. The next day, a new coded message was in the snow outside the cabin. Something was amiss. I tried asking the professor about it, but his lips were sealed. So I wrote to you. I was cleaning room 8. The lights suddenly went out. Then, Mike! When I came to, I was tied to the chair. I overheard them say the professor. Where is the professor? I said I had no idea. And so, they knocked me out again and opened the window so I would freeze. ओके दोस्तों, तो जो हमने स्टार्टिंग में इसका जो फर्स्ट एपिसोड था इसका, चैप्टर 4 का, जिसमें हमने बंदे को जो खून में लथपथ था, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों वो प्रोफेसर क्लार्क है, क्योंकि उस रूम में जब ये जाते तो वहाँ प्रोफेसर क्लार्क नहीं होते, और इसको प्रोफेसर क्लार्क के बारे में पूछते हैं, वो उसे कुछ नहीं बताता ऑटो को, तो उसको वो मार पीटते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो जो इनकोडेड मैसेज था, वो लेटर था, उसको हमें फाइंड करना है रिसेप्शन पे। अरे नहीं यार, प्लीज।
ये शायद से की मुझे लग रही है इधर की. यस ओके कब तो हट गया. यस इनकोडेड डाटा हमें मिल चुका दोस्तों. ओके व्हाट इज दिस बॉल. ओके और कल हाइडिंग लेते हैं. स्टेज ओके एक और मिनट ले लेते हैं दोस्तों. सिगार भी हमें दोस्तों मिल चुका है. हैट यस फाड़. अरे फाड़ना भाई. ओके तो हमें यहाँ से बोतल मिल चुका है दोस्तों. मॉनक्योर एक और मिनट लेते हैं दोस्तों. अरे सामने था दोस्तों स्नो ग्लोब या मेरे और मेरे को मैं कहीं और ही ढूंढ रहा हूँ दोस्तों. ओके पर हमें कौन कौन से देखने दोस्तों. चीज पीस कहाँ दिख रहा दोस्तों यार. हैट दोस्तों मेरे आंखों के सामने है पर मेरा ध्यान किसी और चीज पे दोस्तों. दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना इसके आगे अगर हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों इसमें हमें इनकोडेड मैसेज लेटर तो हमें मिल चुका है. तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो प्रोफेसर क्लार्क किस चीज से इतना ज्यादा डर रहे थे कि जो उनके लेटर में जो इनकोडेड मैसेज था हम उसको डिकोड करने की कोशिश 100% कोशिश करेंगे दोस्तों. तो आज के लिए बस इतना ही. तो मिलते हम कल एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Savvy cameras for the snakes, going out like Arthur Benny Seal.